एवरीवन, वेलकम टू एचएनआर ध्यान। सो आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी जो एग्जाम्स की प्रिपरेशन है ना, वो बहुत जोरों शोरों से चल रही होगी। सो जैसे कि आप सभी को पता है, आज का जो सेशन नंबर है वो सेशन नंबर 7 6 है, सॉरी। एंड ये जो सेशन है जिसमें मैं आपको डेली बेसिस पे क्वेश्चंस कराती हूँ, टॉपिक्स कराती हूँ, तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो बेसिकली आईसीटी बेस्ड रहने वाला है। आईसीटी के क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस 6th सेशन नंबर में, ठीक है। तो डेली बेसिस पे आप सभी की यूट्यूब पे क्लासेस होती हैं, 3:30 बजे आप सभी लाइव आ जाया करिए। और ये क्लासेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारे पीवाईक्यूज आप सभी को रिपीटेड फॉर्म में देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। सो जो क्लासेस का डेली बेसिस का स्केड्यूल है वो आपका 3:30 बजे है, मंडे से लेकर फ्राइडे। चलिए, यहाँ पर देख सकते हैं हमारे कुछ बैचेस भी चल रहे हैं, पेड बैचेस चल रहे हैं। तो आप अगर चाहे तो इन बैचेस का पार्ट बन सकते हैं। पेपर 1 में क्रांति बैच चल रहा है, साथ ही साथ हिंदी में समर्पण मैच चल रहा है, और दोनों अगर आप लेना चाहते हो तो परिणाम बैच आपका चल रहा है जिसमें हिंदी साहित्य और पेपर 1 आप सभी को यहाँ पर फीचर आप सभी देख सकते हैं। कंप्लीट क्लासेस आपको मिल रही है, नोट्स मिल रहे हैं, टेस्ट सीरीज मिल रही है, डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको मिल रहे हैं, वीडियो रिकॉर्डेड सेशंस, लाइव सेशंस होते हैं। लेकिन अगर आप लाइव नहीं ले पाते किसी किसी कारणवश, तो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में वो सेशंस मिल जाते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें और आप 11% ऑफ पा सकते हैं अगर आप रेफरल कोड PK93 कोड को यूज करते हैं। जो रेफरल कोड है वो आपका PK93 है। PK93 से आप यहाँ पे 11% और ऑफ पा सकते हैं इन सभी कोर्सेज के लिए। अभी आप देख सकते हैं कि जो जितने भी कोर्सेज है ना, वो हमारे 399, मात्र 399 में चल रहे हैं। और ये जो आपका ऑफर है, ये सिर्फ और सिर्फ 30 नवंबर तक है। तो 30 नवंबर से पहले पहले आप सभी यहाँ पे सब्सक्रिप्शन को बाय कर सकते हैं अगर आप लेना चाहें तो, और प्रिपरेशन आप अगर अच्छी करना चाहें तो। चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं। द स्टेटमेंट द स्टडी डिजाइन डेवलपमेंट इंप्लीमेंटेशन सपोर्ट और मैनेजमेंट ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम पर्टिकुलरली सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। तो यहाँ पर ये पूछा है कि ये जो डेफिनेशन है ना, कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली विशेष रूप से सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगी और जो कंप्यूटर हार्डवेयर है उनका अध्ययन, उनका डिजाइनिंग, विकास, ये सब किसके अंदर आ जाता है, इसका तात्पर्य क्या है? आईटी है, आईसीटी है, आईडीटी है, या फिर एआई है? तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन मेंशन है, ठीक है। कोई भी किसी भी तरीके का कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, कोई वर्चुअल कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात की जा रही है। तो सिंपल सी बात है, फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका आईटी। आईटी क्या होता है? आईटी इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में विशेष रूप से जो कंप्यूटर से आधारित जैसे प्रणाली है, जैसे सॉफ्टवेयर हो गया, हार्डवेयर हो गया, ठीक है, आपका एप्लीकेशन हो गया, सिंपल वो आपका हो जाता है आपका आईटी। लेकिन अब मैं आईसीटी की बात करती हूँ तो इसमें आ जाता है कोलैबोरेटिव, नहीं होता कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन। आप सभी को ये पता होना चाहिए, इसमें फुल फॉर्म भी गलत दी हुई है, कम्युनिकेशन। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ओके, तो आप सभी यहाँ पे देख लेना, कम्युनिकेशन हो जाता है, राइट। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है ये आपकी आईसीटी बेस्ड है, जिसमें आप कम्युनिकेट करते हो ऑनलाइन बेसिस पे, ऑनलाइन के थ्रू, जैसे वर्चुअली आप कनेक्ट कर रहे हो, ऑनलाइन से आप कनेक्ट कर रहे हो, तो वो हो जाता है आपका आईसीटी, ठीक है। तो आईटी यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन बन जाएगा इस केस में। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, जिसमें आप सभी से बाइनरी टू डेसिमल पूछा जाता है, डेसिमल से बाइनरी पूछा जाता है, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, है ये सारी चीजें। तो अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन बोला है बाइनरी इक्वलेंट टू द डेसिमल। यहाँ पे ये जो नंबर है ना, यहाँ पे ये नंबर क्या है, ये बाइनरी है। बाइनरी क्या होता है? 0 और 1, 1 और 0 या 0 और 1 ले लो, ठीक है, 0 और 1 ले लो या 1 और 0 ले लो, वैसे 0 और 1 लेंगे हम इसमें, ठीक है। मतलब 0 और 1 के फॉर्म में कोई भी नंबर हो सकता है। अब मैं अगर बात करती हूँ डेसिमल, डेसिमल का जो बेस होता है वो होता है 10। तो यहाँ पे ना जो नंबर्स होते हैं वो 9 तक होते हैं सर, ठीक है। डेसिमल का जो बेस होता है वो 10 होता है। तो 0 से लेकर 9 तक जितने भी नंबर होंगे वो सब आपके यहाँ पे कितने किसमें आ जाएंगे, डेसिमल में आ जाते हैं। तो अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये डेसिमल नंबर है 51, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करें। जब हम डेसिमल से बाइनरी में जाते हैं ना, डेसिमल से बाइनरी में जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। किस बेस से करेंगे हम, किस बेस से करेंगे डिवाइड, जिसमें हमें कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है हमें बताओ भाई, बाइनरी में कन्वर्ट करना है ना, बेस उसका बाइनरी 2 होता है, ठीक है। तो जल्दी से सॉल्व कर लीजिए इसको,
टू की टर्म में पढ़ो उसको, 2 2 4 एक कैरी, 2 5 10, ठीक है जी। यहाँ पे कैरी आ गया 1, राइट। देखो 2 1 2, 2 2 4, 2 2 4, फिर यहाँ पे कैरी और आ गया क्योंकि 4 है ना, राइट। यहाँ पे दोबारा से देखो 2 3 4 12, ये तो पूरा पूरा चला जाएगा। फिर देखो 2 की टेबल में 3 आता है पूरी बार, 2 3 6, ठीक है, ये भी पूरा पूरा चला गया। तो इसमें एलसीएम क्या हो गया, 0 हो गया ना। देन यहाँ पे देखो लास्ट का जो है 2 1 2, ठीक है, 2 1 2 कैरी आ गया यहाँ पे 1। अब यहाँ पे जो नंबर है खत्म हो गया ना क्वेश्चन, अब यहाँ पे 1 आ गया, 1 से ज्यादा तो हम नहीं कर सकते क्योंकि डिजिट 2 है, ठीक है। तो अब इसको हमें कैसे लेकर जाना है, इस तरीके से लेकर जाना होगा, जिसमें हम लिखेंगे 1 1 0 0 1 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। कैसे होगा, 1 1 0 0 1 1, इस तरीके से बैक से लेकर जाना होता है। तो इसके अकॉर्डिंगली आंसर क्या हो जाएगा आपका, पहला ऑप्शन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नंबर सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने अपने कोर्सेज में, जो हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, क्रांति बैच चल रहा है जो, जिसमें मैं आप सभी को पढ़ा रही हूँ पेपर 1, उसमें आप सभी यहाँ पे आप सभी को दिख रहा होगा, और जो मेरी क्लासेस ले रहे होंगे वो इजिली यहाँ पे आराम से क्वेश्चन को कर पा रहे होंगे सॉल्व, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एन अनसोलिसिटेड ईमेल मैसेज सेंड टू मेनी रिसिपिएंट एट वंस, भाई एक बार में एक ईमेल मैसेज आता है सबको चला जाता है। अनसोलिसिटेड मतलब होता है वो एक ऐसा अनचाह ईमेल संदेश जो सभी प्राप्तकारियों को चला जाता है। वो क्या होता है, वॉर्म। वॉर्म तो भाई मालवेयर है, वॉर्म तो एक मालवेयर हो गया ना, वायरस भी आपका मालवेयर हो गया। थ्रेट क्या होता है, खतरा, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा इसका इसका स्पैम। स्पैम फोल्डर आप सभी ने ईमेल में देखा होगा, स्पैम फोल्डर जब आप ओपन करते हो तो आपको फालतू के मैसेज, अनसॉलिसिटेड, अनचाहे ईमेल्स आपको मिलते हैं, वो सभी प्राप्तकारियों को मिल जाते हैं, रिसिपेंट को मिल जाते हैं, ठीक है, वो बल्क में भेजे जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्पैम, स्पैम फोल्डर, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देख लीजिए, इट इज अ टाइप ऑफ द मेमोरी सर्किट दैट होल्ड्स द कंप्यूटर स्टार्टअप रूटीन, भाई जब कंप्यूटर स्टार्टअप होता है उस केस में क्या होगा, कौन सा मेमोरी है जो कंप्यूटर के स्टार्टअप रूटीन को बनाए रखती है। रिम, रिम रीड इनिशियल मेमोरी, वैसे रिम होता कुछ नहीं है, रोम रैम हो गया, रोम हो गया, और कैश मेमोरी। कैश मेमोरी तो देखो प्राइमरी मेमोरी और सीपीयू के बीच में होती है, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी और सीपीयू के बीच में होती है कैश मेमोरी, ठीक है, प्राइमरी एंड सीपीयू के बीच में आपका ये सिचुएटेड होती है कैश मेमोरी। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ रैम की, तो रैम आपका प्राइमरी मेमोरी है, ऑफकोर्स रेंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, जहां पर हम रीड एंड राइट दोनों ही कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आ जाता है आपका रोम, रोम आ जाती है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी इज द राइट आंसर, क्योंकि जब हम स्टार्टअप रूटीन की परिवर्तन हुए, ये सुख का भी सूचक रहे रोम हैं, बेसिकली दुख का क्या भी है, सूचक रहे हैं, प्रकृति का भी सूचक रहे हैं, चेतना का भी सूचक ठीक रहे है, हैं, एक सेकंड, कभी अंधियारा का सूचक हो जाते हैं, तो कभी हाँ जी, हाँ मैं किस पे थी, हाँ जी, तो अभी हम क्या कर रहे थे यहाँ पे, बेसिकली थोड़ा सा बैक पे चली गई हूँ अभी, ठीक है, अभी समझ में आ रहा होगा आप सभी को। हाँ, तो मैं रोम की बात करती, रोम क्या होता है, रोम होल्ड अप करता है स्टार्टअप रूटीन को, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी क्या करती है, स्टार्टअप रूटीन को होल्ड करके चलती है। दैट मीन्स कि रोम में आप एक BIOS सॉफ्टवेयर होता है, BIOS सॉफ्टवेयर होता है, BIOS सॉफ्टवेयर मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, जो कि हमेशा होल्ड करके रखती है स्टार्टअप रूटीन को। फॉर एग्जाम्पल इन केस अगर डेटा सेव नहीं कर पाए आप, और आपका जो कंप्यूटर वो बंद हो जाता है यूपीएस के बाद, ठीक है, यूपीएस आपने यूज किया है तो उसके बाद जब जैसे लाइट नहीं आती तो डेटा आपका वैनिश नहीं होगा, अगर इन केस आपका जो लैपटॉप है या आपका पीसी है वो बंद हो जाता है, तो रोम में जो डेटा होगा वो अपने आप सेव हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्या है, स्टार्टअप रूटीन बनाया होता है, BIOS सॉफ्टवेयर होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है जी। तो इसीलिए ये हमेशा सिचुएटेड रहता है, राइट। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर हम रैम की बात करते हैं तो ये आपका वॉलेटाइल और टेम्पररी है, ठीक है, वॉलेटाइल और टेम्पररी है, क्योंकि यहाँ पे डेटा ना वैनिश हो जाता है। लेकिन मैं रोम की बात करती हूँ तो आपका नॉन वॉलेटाइल है और परमानेंट डेटा रहेगा इसमें, परमानेंट डेटा रहता है, NVP शॉर्ट में याद रखिएगा। मैंने आपको मिमोनिक्स भी बहुत अच्छे से कराए अपने सेशंस के दौरान,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सी है नहीं है. इनपुट मतलब जब जो जो कंप्यूटर है वो डेटा अंदर डाल रहा है, कंप्यूटर इन कर रहा है, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है. देखो माइक्रोफोन तो आपका इनपुट है, कीबोर्ड भी आपका इनपुट है, जब आप टाइप करते हो तो कंप्यूटर में दिखता है ना, जॉयस्टिक, जॉयस्टिक होता है गेम्स के लिए. गेम्स के लिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, एक आपने आप लोगों ने देखा होगा, इस तरीके का बना होता है वो, इस तरीके का कुछ होता है जो गेम्स के लिए होता है बेसिकली. यहाँ पे आ जाएगा मॉनिटर, क्योंकि मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस, इसीलिए मॉनिटर क्या है वो फ्रंट पे दिखता है आपको. कंप्यूटर इनपुट मतलब इन नहीं कर रहा है, वो कंप्यूटर में डेटा नहीं डाल रहा है, ठीक है, वो बाहर दिखा रहा है, शो कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर आ गया मॉनिटर, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है, ठीक है जी. तो भाई प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर भी आपका आउटपुट डिवाइस है, अभी हमने मॉनिटर पढ़ा वो भी डिवाइस है आउटपुट, लेकिन कीबोर्ड की अगर मैं बात करती हूँ तो ये इनपुट डिवाइस है. कीबोर्ड जब आप कीबोर्ड पे टाइप करते हो तो सिस्टम में आ जाता है ना लिखा हुआ, राइट, तो कीबोर्ड आपका क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे सिक्स्थ क्वेश्चन में आपका कीबोर्ड हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टू एफ, ए टू एफ सिंबल किसमें होता है, ए से एफ तक. देखिए आप सभी ने बाइनरी पढ़ा है, डेसिमल पढ़ा है, ठीक है, ऑक्टल और हेक्सा. अब हम बात करते हैं हेक्साडेसिमल की. देखिए हेक्साडेसिमल का जो बेस होता है ना वो होता है 16. क्या होता है, हेक्साडेसिमल का बेस होता है वो 16 होता है. अब मैं बात अगर करूं हेक्साडेसिमल के बेस की, सो दैट मीन्स यहाँ पर 0 से लेकर 15 तक चलेगा, 0 से लेकर 15 तक डिजिट तक चलती है वैल्यू, ठीक है. इसका मतलब यहाँ पे ना 0 से लेकर 1 तक तो न्यूमेरिकल रहती है, 0 से लेकर 10 तक, सॉरी, ठीक है, 0 से लेकर 9 तक, 9 तक न्यूमेरिकल वैल्यू रहती है, 0 से लेकर 9 तक न्यूमेरिकल वैल्यू रहती है. प्लीज इसको करेक्ट कर लेना आप लोग, सेकंड मैं इरेज कर देती हूँ. ठीक है, 0 से लेकर 9 तक, यहाँ पे 0 से लेकर 9 तक हेक्सा की बात कर रही हूँ मैं, 0 से लेकर 9 तक यहाँ पे डिजिट जो रहती है वो न्यूमेरिकल रहती है. उसके बाद क्या होता है, उसके बाद यहाँ से ए से लेकर ना एफ तक चलता है. अब ए से लेकर एफ तक मतलब, ए मतलब हो गया यहाँ पे 11, क्योंकि हेक्साडेसिमल का बेस होता है आपका, हेक्साडेसिमल का बेस होता है आपका 16. तो इस केस में ए को हम 10 मानते हैं, बी को हम 11 मानते हैं, सी को हम 12 मानते हैं, डी को हम 13 मानते हैं, ए बी सी डी ई ई को हम 14 मानते हैं और एफ को हम 15 मानते हैं. तो 15 तक जाएगा ना बेस, हेक्साडेसिमल 16 डिजिट का होता है, 16 बेस होता है उसका. तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखिएगा 0 से लेकर एफ तक होता है वैसे, लेकिन 0 से लेकर 9 तक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, और यहाँ पे जो होता है वो आपका अल्फाबेटिकल वैल्यू होती है ए से लेकर एफ तक. ए को हम 10 मानते हैं, वैसे ही ए बी सी डी इस तरीके से हम एफ को भी 15 मानते हैं. तो यहाँ पर आ जाएगा आपका हेक्साडेसिमल, ठीक है. ऑक्टल का बेस होता है 8, 8 होता है ना ऑक्टल का, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 0 से लेकर 7 तक जाएगी वैल्यू, पे एक माइनस कर दीजिए अपने आप, समझ में आया. वैसे डेसिमल का मतलब क्या होता है, डेसिमल मतलब 10, तो 0 से लेकर 9 तक लिया. बाइनरी तो वैसे भी आपको पता है 0 और 1 होता है बस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन, आप देखिए सर्च इंजन होता है और एक होता है आपका वेब ब्राउजर. देखिए वेब ब्राउजर क्या होता है, वेब ब्राउज जो कि सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपका, जैसे कि आपका क्रोम हो गया, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, ठीक है, और फायरफॉक्स हो गया, मोज़िला फायरफॉक्स हो गया. तो ये सब क्या है, ये सब आपके क्या है, ये सब आपके वेब ब्राउजर है. वेब ब्राउजर वो होते हैं जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जब आप यहाँ पे जाओगे, मैं आप सभी को ना स्क्रीन पे दिखा देती हूँ, जैसे कि जब आप यहाँ पे जैसे जाते हो वेब ब्राउजर में, ठीक है, ब्राउज किया ना आपने, तो ये क्या हुआ, ये मैं ब्राउजर में गई, देख रहे हो आप यहाँ से, ये मैंने यहाँ पे ओपेरा, ओपेरा से किया, या फिर मैं मोज़िला फायरफॉक्स क्रोम से कर रही हूँ, या मोज़िला है, जो भी सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है. अब यहाँ पे अगर मैं गूगल लिख रही हूँ, देखो गूगल, गूगल, ठीक है, मैंने गूगल लिखा, तो अब यहाँ पे ये क्या है, ये गूगल क्या है, ये गूगल सर्च इंजन है. वैसे ही अगर मैं इसके अंदर याहू कर रही हूँ, याहू, याहू पे मुझे सपोज करो सर्च करना है, ठीक है, याहू पे मुझे सर्च करना है, वो आ जाएगा आपका, मैं याहू पे सर्च करूंगी. फिर क्लियर हो रहा है सबको, समझ में आ रहा है ना, इस तरीके से ये क्या होता है, ये आपका सर्च इंजन होता है. तो सर्च इंजन ब्राउजर में समझ में आया क्या हो रहा है, सर्च इंजन और वेब ब्राउजर में समझ में आया क्या हो रहा है. तो सर्च इंजन वो होता है जहां पे हम क्या करते हैं, जहां पे हम सर्च कर रहे हैं, ठीक है, सर्च कर रहे हैं.
और वेब ब्राउजर वो है जो सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे पूछा है सचिनन कौन सा नहीं है, मतलब वेब ब्राउजर पूछ रहा है तो अपने आप पता चल गया क्रोम हो गया ना, क्योंकि गूगल याहू और बिंग ये तो तीनों आपके सर्च इंजन है। क्लियर हो गया। नाइन्थ क्वेश्चन, आपकी फुल फॉर्म को आपको बताना है एक्रोनिम्स ऑफ एफटीपी। एफटीपी फुल प्रोटोकॉल होता है ना, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फास्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रैकिंग प्रोटोकॉल या फाइल ट्रांसफर प्रोसीजर। तो सिंपल सी बात है, फाइल को जब हम ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरे पॉइंट में तो उसको हम क्या कहते हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फुल फॉर्म सारी अच्छे से याद होने हो जानी चाहिए आप सभी को, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। वैसे ही डोमेन नेम सिस्टम, सॉरी मैंने तो आंसर ही बता दिया, डीएनएस की फुल फॉर्म क्या होती है, डोमेन नेम सिस्टम होती है। डोमेन आप सभी को पता है, जैसे कि मैंने आपको बोला @gmail.com, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आपका डोमेन हो गया ना, वैसे ही .edu, राइट, ये क्या हो गया, जैसे मैंने बोला डोमेन एजुकेशन वेबसाइट है तो .edu लग रहा है उसमें, ठीक है, कोई आपकी प्रॉफिट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें .com लग रहा है, कोई नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन है तो .net लग रहा है, तो वो क्या होता है डोमेन। डोमेन हर किसी का अलग होता है, हर वेबसाइट का डोमेन अलग होता है, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप सभी को सारे क्वेश्चंस को अच्छे से थरली समझना है, प्रैक्टिस करनी है इन सबको, स्पेशली बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम को अच्छे से पढ़ लीजिए। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं, हमारे बैचेस ऑनगोइंग चल रहे हैं, धड़ाधड़ चल रहे हैं, सेशंस हमारे स्टार्ट खत्म भी हो जाएंगे कुछ टाइम बाद, और फिर हमारी PYQ सीरीज चलेगी जब तक कि आपका एग्जाम नहीं होता है। तो मैं आप सभी के साथ में पेपर वन कराने वाली हूँ, बाकी यहाँ पे जो परिणाम बैच है और हिंदी साहित्य बैच है, जिसमें हिंदी साहित्य में मैम अंतिमा मैम एंड अभिषेक सर आपको यहाँ पे गाइडेंस प्रोवाइड करने वाले हैं, तो आप सभी यहाँ पे इन बैचेस का पार्ट बन सकते हैं, और टॉप एडुकेटर्स आप सभी को यहाँ पे गाइडेंस देने वाले हैं, गाइड करने वाले हैं, तो डेफिनेटली आप सभी का नेट JRF एग्जाम इजीली क्रैक हो जाएगा अगर आप इन कोर्सेज को बाय कर लेते हैं। मात्र ₹400 का है, ₹400 में भी आपको TK93 कोड अगर आप यूज करते हैं तो आपको और ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा, 11% का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो अब आप लगा लीजिए 350 के अराउंड आपको ये कोर्स मिल जाएगा। बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो डिस्क्रिप्शन में आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल वाले सेशन।